पिछली वीडियो में हमने लीड लाइन बनाना सीखा था कि नेट में लीड लाइन कैसे बनाते हैं। ये थंबनेल है उस वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, तभी आपको फाइनली नेट कंप्लीट करना आएगा। दोस्तों आप देख सकते हो मेरा नेट पूरा खुला हुआ है। सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे अच्छी तरह से, पहले हम वो देखेंगे इसको कैसे ज्वाइंट करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। दोस्तों ये मैंने जहाँ नेट छोड़ा था वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, फंदे से फंदे को बांध रहा हूँ पहले। मैंने ये अच्छी तरह से इस फंदे को बांध लिया है। अब यहाँ से मैं इसको जोड़ना शुरू करूँगा। याद रहे, नेट को जोड़ने के लिए हमें गठान का उपयोग नहीं करना है, केवल फंदे से फंदे में रेशम को निकालते जाना दो या तीन बार। मैं इसमें तीन बार निकालूँगा। यह मैंने दो फंदे ले लिए हैं, अब इसमें से मैं निकालूँगा। मैं इसके अंदर से मैं तीन बार निकालूँगा, आपको जितनी बार जैसा लगे वैसा करना। मैं तीन बार ही निकालूँगा, इससे अच्छा ज्वाइंट बनेगा। इसको हमें खींच के टाइट तो करना है, लेकिन हमें उतना भी टाइट नहीं करना, थोड़ा हल्का ढीला रहे ताकि फैलाव हो। इस तरह से हम इसको जोड़ते जाएंगे, इस तरह से। चलो मैं जोड़ लेता हूँ पहले इसको पूरा। बस याद रहे कि कम से कम दो या तीन बार रहे, मैं तीन बार निकाल रहा हूँ। इस तरह से इसे जोड़ते जाना है। ये फंदे से फंदे को इस तरह से इसे केवल बेसिकली निकालना ही है, गठान तो इसमें बांधना ही नहीं है। जहाँ से आपकी गठान लग जाएगी नेट वहीं पे बेकार हो जाएगा आपका। जाल को जब हम सिलते हैं खुले हुए जाल को, तो उसमें गठान इसलिए नहीं हम बांधते हैं ताकि हमें जाल घालते समय ऐसा लगे ये अभी और चौड़ा होना था, तो इसको वापस हम एक कट लगा के पूरा खोल लेते हैं और दोबारा यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम लीड लाइन को भी बनाएंगे बिना गठान बांधे, ताकि कल हमें नेट बड़ा करना पड़े तो लीड लाइन को आराम से एक धागे में कट लगा के पूरा खोल लें और आगे से बनाना स्टार्ट कर दें, जो कि बहुत आसान है और सही भी है। ये फाइनली मैंने पूरा ज्वाइंट कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा है उसको भी मैंने यहाँ लास्ट में सिल दिया और एक मैं यहाँ गठान बांध लूँगा। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसे जोड़ दिया है, ये लाइन दिख रही है। अब हम इस नेट में लीड लाइन को लगाएंगे जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे कैसे बनाई थी। अब फाइनली हम इसको जोड़ देंगे तो आधे से ज़्यादा नेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही नहीं जोड़ देते, एक मैथमेटिक तरीका है थोड़ी, उसको हम समझते हैं फिर जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने जो लीड लाइन बनाई है उसमें मेरे टोटल फंदे हैं, मैंने दो बीच में फंदा छोड़ा है, एक पे गुड़िया लगाया है, तो गुड़िया वाला भी फंदा गिनेंगे हम, जो दो दो छूटे हैं उसको भी गिनेंगे, क्योंकि हमें जो नेट का जो नीचे का फंदा बांधना है, इसको ज्वाइंट करना है, तो वो हम सब में ज्वाइंट करेंगे, चाहे वो गुड़िया चढ़ा हो या नहीं हो, तो सब में हम उसको बांधेंगे। तो उसको सिलने के लिए पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे फंदे कितने हैं इसमें टोटल। तो मेरे टोटल फंदे हैं 248-49 के समथिंग, और फिर उसके बाद हम जाल जो मैंने बनाया उसके सबसे नीचे की लाइन गिनेंगे फंदे की, कितने फंदे हैं, तो मेरे उसमें 744 फंदे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लीड लाइन के हर एक फंदे में तीन फंदे डालना है, तब जाके मेरी लीड लाइन जाल में परफेक्ट तरीके से पूरी बैठ जाएगी, हो जाएगी। और ज़रूरी बात यह है कि जब हम लीड लाइन को इसमें जोड़ेंगे तो गठान का उपयोग कहीं नहीं करेंगे, इसमें वैसे ही लपेटते हैं जैसे हमने पिछली बार तीन बार लपेड़ा हर एक फंदे में, इसमें हम दो बार समथिंग, मैं दो बार लपेड़ूंगा, लपेटते जाते हैं, थोड़ा ढीला रखते हैं, थोड़ा टाइट नहीं करते हैं, ढीला ही रखते हैं और लपेटते जाते हैं, बेसिक सा गठान नहीं बांधते, लपेटते जाते हैं। हर एक फंदे में तीन फंदे डालूंगा मैं, लपेटता जाऊंगा। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करते हैं, एकदम सरल है, बस थोड़ा देख लो आप।
ये आप देख सकते हो किस तरह से परफेक्ट तरीके से मैंने नेट में लीड लाइन को बांध दिया है। फाइनली मैंने पूरा लीड लाइन को इसमें बांध दिया है। अब यहाँ मैं ज्वाइंट करके इसको काट दूंगा। मेरे दो सिंकर बच गए हैं, मैंने उसको निकाल के अलग कर दिया। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया था समथिंग 100 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का नहीं है, ये हल्का है, 25 से 30 ग्राम के आसपास है, अच्छा है। ये मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है, अब मैं इसको काट देता हूँ। आपको ज्वाइंट करना तो आता ही होगा, बहुत मजबूत जोड़ लगाना पड़ता है जो कि कभी छूटे ना। अगर नहीं पता तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप देख सकते हो किस तरह से मैंने पूरा लीड लाइन को सिल दिया है नेट के साथ में, देख सकते हो। अब यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हम सभी सिंकर में से डालेंगे और इसका क्या उपयोग है आगे देखेंगे। सिंकर में से हम कुछ इस तरह से डालेंगे। सिंकर के अंदर से डालने के बाद लीड लाइन में जो फंदे बने हुए हैं इसके अंदर से भी हम इस डोरी को डालेंगे। इस तरह से हम इसको लीड में से डालते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे ये दो बंधे हुए हैं फंदे, इन फंदे के अंदर से डालना है, फिर उसके बाद इस सिंकर में से इसके अंदर से मैंने इसको डाला है। अब हम डालते हैं। आप देख सकते हो मैंने उस ग्रीन वाली डोरी को डाल दिया है। अब हम इसका उपयोग देखेंगे। अब हम यहाँ पर नेट में घोजी बनाएंगे तो उस ग्रीन वाली डोरी को ही हम इसमें बांधेंगे। इस तरह से हम इसमें घोजी बनाएंगे। इस घोजी को जब बनाने के लिए हम लीड लाइन को नेट में बांधते हैं तो ऐसे ही नहीं बांधते, उसमें भी हम एक गणना लगाते हैं कि इसमें फंदे कितने हैं, इसको किस तरह से बांधेंगे। जैसे कि मेरे नेट में फंदे 744 हैं और मुझे 35 जगह इसको बांधना है, 35 से 36 जगह इसको बांधना है, क्योंकि इतनी जगह मैंने वो जगह छोड़ी है जहाँ दो गुड़िये मैंने साथ में जोड़े हैं, उस जगह हम इसको बांधेंगे। उसे पुत्री बोलते हैं, पुत्री को हम बांधेंगे जितनी जगह मैंने दो गुड़िये छोड़े हैं। तो मेरे पे 35 हैं, अब 36 हो गए हैं। तो मैं मेरे नेट में 744 फंदे हैं जो सबसे नीचे हैं, उसमें मैं हर 21 फंदे पर इसको बांधूँगा। और मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा जहाँ मैंने इसको सिला है, ताकि मुझे ध्यान रहे कहाँ से मैंने गिनना स्टार्ट किया है। मैं इसको गिनता हूँ, पहला मेरे 6 का अंतर है तो मैं 6 से स्टार्ट करूँगा सबसे पहला बांधने का, ताकि परफेक्ट गिने। और मैं ये 7 में पर बांधूँगा। इस तरह से हम इसको बांधते हैं, आप अपने तरीके से बांध सकते हो, मैं ये बेसिक सा तरीका उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेट को बड़ा भी बनाना है, तो इसको मैं बाद में खोलूँगा। इसमें हम वही गठान बांधते हैं जो हम नेट बनाते समय बांधते थे, उसी प्रकार की ये गठान है, ताकि कभी छूटे ना, क्योंकि इसको मैं काट दूंगा। और मैं इस कीडिंग का उपयोग करूंगा, बीच में बराबर का गैप रखना है, जितनी जगह मैं इसको बांधूं बराबर रहे, इसलिए मैं ये जो कीरिंग है मुझे परफेक्ट लगा, 2 इंच 1.5 इंच का है, तो मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। इसमें गठान वैसे ही बांधना जैसे अपन नेट पे बांधते थे, नेट के फंदे बनाते समय, जो कि बहुत परफेक्ट गठान लगती है, अच्छी लगती है, वो खुलती नहीं है कभी, तो उसी गठान का मैं इसमें उपयोग कर रहा हूँ। जेब बांध के मैं इसको वापस काट दूंगा। अच्छी तरह से इसको खींच लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने यह इन दोनों गुड़ियों के बीच में बांधा है, तो अगला मैं दोनों गुड़ियों के बीच में बांधूंगा। इसके बीच में मुझे 21 फंदे छोड़ना है, तो मैं वो गिनूंगा और छोड़ दूंगा। और ये जो नीली ग्रीन वाली जो इसमें डोरी डली है उसको अच्छी तरह से खींच लेते हैं, सबको खींच के रखते हैं
ताकि इसमें कुछ ढीला ढाला ना रहे, तो अच्छा खींच लेते हैं। इसमें मैं पेन से निशान लगाऊंगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ फंदे गिनते समय। पेन से निशान लगा लेता हूँ और फिर मैं फंदे गिनकर इसको यहाँ बांध दूँगा। मैं जहाँ बांध रहा हूँ वहाँ दो गुड़िए हैं, यहाँ भी दो गुड़िए हैं, तो इस तरह से इसको बांधते हैं। अब मैं 21 फंदे गिन लेता हूँ, 22 पे मैं बांध दूँगा। इसको बिल्कुल वैसा ही बांधना है जैसा हम नेट बनाते समय फंदा बांधते हैं, उसी तरह से बांध के छोड़ते जाते हैं। तो इस तरह से हम समय इसको बांधेंगे। लेकिन ज़रूरी बात यही है कि इसको खींच के रखना है, कहीं ढीला ना रह जाए या ओवन ना खिंच जाए। इस चीज़ को आपको देखना है। देखो किस तरह से ये बन गया, एकदम परफेक्ट बन गया है। इसी तरह से हम सबको बांधेंगे। इन दोनों गुड़ियों के बीच में ही मैंने बांधा है, तो ऐसे ही करके बांधेंगे। आप देख सकते हो मैंने एक घंटे में समथिंग 15-20 पुतरी बांध ली हैं। देख सकते हो कैसा लग रहा है नेट, गुज्जी एकदम परफेक्ट आई है जितनी अपने लिए चाहिए पड़ती है। तो इस तरह से हम इसको पूरा बांध लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने इसको बांधा है और किस तरह से ये दिख रहा है। फाइनली दोस्तों मैंने वो सारी पुतरी बांध ली हैं। मैंने 35 बांधी हुई हैं। आप देख सकते हो वो दो गुड़िए हैं जो नीचे खिसक रहे हैं, जहाँ मैंने बांधा था उसका वेट नीचे की तरफ आता है, इसलिए दो गुड़िया ज़रूरी है रखना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, देख सकते हो मैंने इस तरह से पूरा बांध लिया है। अब दोस्तों इसका अगला स्टेप है इसकी चोटी बांधना, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको हम कैसे बांधते हैं, उसका तरीका क्या है, अब हम उसको देखेंगे। मैं इस रेशम का उपयोग कर रहा हूँ, वही 12 नंबर रेशम है जिससे मैंने लीड लाइन बनाई थी। इस रेशम को हम इस तरह से सभी फंदे में डाल लेता हूँ। मैंने ऊपर के फंदे डबल धागा से बनाए हैं मजबूती के लिए, तो इस तरह से हम इसको सभी फंदे में डालते हैं, कोई फंदा छूट ना जाए। सब में से इस तरह से हम इसको निकालते जाते हैं। इस तरह से मैंने सभी फंदे में से यह रेशम डाल ली है, मजबूत है यह रेशम इसलिए मैंने डाली। इस तरह से देखो दिखने लगेगा। इसको यहाँ से मैं काट लूँगा, फिर उसके बाद बांधता हूँ, एकदम मजबूत बांधता हूँ। थोड़ी ज़्यादा रखना पड़ता है अपने लिए इसको, ताकि इसका भी एक फंदा बन जाए। इस हिसाब से हम काटते हैं। यह मैंने इसको मजबूत बांध लिया है, अब इसको काट देते हैं। अब इसके बाद जो इसकी चोटी है उसको कैसे बनाना है वो देखते हैं। उसको हम इस तरह से फैलाएंगे और समथिंग दो दो या तीन तीन फंदे करके हम इसको पकड़ेंगे इस धागे को। जैसे कि मैंने ये पकड़ा इसको, इसमें से मैं गिनता हूँ 1, 2, 3 तीन तीन करके मैं गिनूँगा। तीन तीन के बीच में मैं फिर पकड़ूँगा, ताकि ये इसका जो बेट है ना, जो जालपन फेंकते हैं या वापस खींचते हैं, उसका बेट बराबर सब में रह जाए, तो उस हिसाब से हम इसको पकड़ते हैं। तो बेट पूरी तरह से अच्छे से बट जाए, किसी एक तरफ ना रहे। मैं इस तरह से तीन तीन करके इसको मैं गिन के पकड़ूँगा, बराबर हिस्सों में इसको मैं बांट लूँगा पूरी तरह से, और एक यह फंदा भी बन जाएगा जो मैं हाथ में भी पकड़ रहा हूँ। इस तरह से मैं तीन तीन करके इसका बेट बराबर हिस्सों में बांट दूँगा। इस तरह से मैंने इसको बांट दिया, मैंने पकड़ लिया। अब इसमें से हम इस रस्सी को डालेंगे, ये मजबूत रस्सी है, प्लास्टिक की रस्सी है, तो इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे। ये कहीं फंसती भी नहीं है, बहुत चिकनी हुई होती है, तो हम इसको इसमें डालेंगे। अब हम इसको रेशम से अच्छी तरह से मजबूत बांधेंगे, कसेंगे। इस तरह से हम इसको कसेंगे।
10-10, 20-20 बार राउंड लगाने के बाद हम इसमें गठान भी बांधते जाते हैं, ताकि अगर एक हिस्सा खुल भी जाए तो दोबारा गठान बनी रहे, तो गठान ही बांधते जाते हैं। इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से बांधना, ये मैं बांध रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से बांधना। लेकिन जो नीचे का हिस्सा मैंने बताया है इसको कैसे बांधना है, बेट को बराबर हिस्सों में बांधना है, उस हिसाब से इसको बांधते हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरी रस्सी प्लास्टिक की है, तो इसको मैं काट के ऐसे खोल लूँगा और इसको भी वापस उसी में लपेट दूँगा। फिर उसके बाद इसको और ज़्यादा हम रेशम से मजबूत बांधेंगे, बहुत ज़्यादा ही मजबूत बांधेंगे इसको, क्योंकि सारा बेट इसी पर आता है। तो इस तरह से मैं इसको खोल के भी लपेटता जाऊँगा और इसको बांधता जाऊँगा। ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेट में आपके फत्तल वगैरह आते हैं तो वजन ज़्यादा होता है तो ये रस्सी छूट सकती है, तो इसको मजबूत बांधना ज़रूरी है। इस तरह से इसको बांधते हैं। इसको मैंने काट के एक पतला वाला रेशम लगाया, बहुत पतला, एक नंबर रेशम लगाया है। एक नंबर रेशम ज़्यादा पतला होता है तो उससे बहुत मजबूत बंधेगा, यह एक नंबर रेशम मैं इसे बांध रहा हूँ। इस तरह से इसको लपेटते जाते हैं, फिर उसमें गठान टाइप की बांधते जाते हैं। ये आप देख सकते हो किस तरह से मैंने इसको बांध लिया है, बहुत मजबूत बन गया है। अब इसको हम अपने उपयोग के अनुसार इसको काट लेंगे, तो मुझे जितना चाहिए था मैं यहाँ से मैं काट लेता हूँ। अब हम इस रस्सी में दूसरी तरफ बांधेंगे, हाथ में फंसाने वाला एक अच्छा सा फंदा बना देंगे, इसको फंदा परमानेंट जो बना रहे उस तरह से इसको बनाते हैं, जो आराम से निकल भी जाए और आसानी से भी ना निकले। तो इस हिसाब से हम एक बांधेंगे इसको, उसी तरह से बांधेंगे जैसे हमने उसकी चोटी बांधी हुई है। इसको हम खोल के उसमें लपेटते हैं और उसके बाद इसको रेशम से, पतली रेशम से इसको लपेटते जाएंगे, गठाने बांधते जाएंगे, तो उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। फाइनली हमारा नेट यहाँ होता है कंप्लीट। लेकिन इससे पहले आपको पिछला वीडियो देखना ज़रूरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आप फिशिंग करने में और फिशिंग से संबंधित चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ट्यूटोरियल और वीडियो आते रहेंगे।